नमस्ते, गुड इवनिंग. यू ऑल वेलकम टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंजल लाइव क्लासेस. गेट रेडी एंड गेट लाइव. आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन एंड वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव कनेक्टेड मी विद लाइव. मिस सालू, मिस प्रीति, मिस्टर विवेक, काजल, विनीत, ऋतिक, शुभम, अंकित, योगेश, सीता, गीता, शिवा, मुंतजिर, मुकेश, श्रवण, इनकम टैक्स, श्रद्धा, विपुल, मुकेश, विकास, अगेन मुकेश, शुभम, अजय, संदीप, गोविंद, आशीष, मिथुन, प्रमोद, आंचल, सुनील, धनंजय, सुभाष, रणदीप, रूबी, योगेश, नेहा, श्याम सुंदर, अंकिता, स्वाति, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए एक बार करिए लाइक और शेयर, फिर हम लोग अपने क्लास की करें शुरुआत. और इस समय हम सब लोग अपने क्लास के अंतर्गत एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि अगर एग्जाम में इंपॉर्टेंस के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा टेंस, प्रेपोजिशन, वर्ड पावर, ये तीन सेगमेंट हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है. और उसी सेगमेंट से हम सब लोग अपने क्वेश्चन को सबसे पहले हल कर रहे हैं. कल की क्लास में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और क्वेश्चन तो खैर वैसे मैंने कुछ पढ़ाया था लेकिन सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए थे. वीडियो खैर पड़ा हुआ है, आई थिंक आप सब लोगों ने वीडियो बाद में देख लिया होगा. हाँ, CGL की नोटिफिकेशन आ गई, आई नो. आ गई नोटिफिकेशन के बारे में अभी बताएंगे हम आप लोगों को. अभी पढ़ते हैं, कल संडे स्पेशल है. कल संडे स्पेशल में हम सब लोग नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 88 से शुरू करना है. इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का जो एक पार्ट है वो ब्रैकेटेड है और ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसी को इंप्रूव करना है. अगर ये जो आपका ब्रैकेटेड पार्ट है अगर आपको लगता है ये सही है तब तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट. और अगर आपको लगता है ये गलत है तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा आंसर, जो भी ABC में से जो सही होगा उस ऑप्शन पर डिपेंड करेगा. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप सब लोग. क्वेश्चन समझ गए ना आप सब लोग. चलिए क्वेश्चन है, वी हैव मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी एंड पीपल केम आउट इन अ लार्ज नंबर्स टू वोट फॉर डेवलपमेंट. अब यहां पर देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव मेड प्रोग्रेस, हमने विकास किया इन आवर डेवलपमेंट जर्नी, अपनी विकास की यात्रा में हमने अपनी विकास की यात्रा में विकास किया है. एंड पीपल और लोग, और लोग घटना पहली बात तो पास्ट नहीं है क्योंकि हमने विकास किया है प्रेजेंट में. इनका कहना है कि हमने विकास किया है और लोग वोट करने बड़ी संख्या में विकास के नाम पर, तो आए हैं या आ चुके थे या आएंगे. तो इनका कहना है कि हमने विकास किया है और लोग इस नाम पर आएंगे. तो आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, वेलकम. क्या बोलेंगे, वेलकम. तो वी हैव मेड प्रोग्रेस इन आवर डेवलपमेंट जर्नी एंड पीपल विल कम आउट इन अ लार्ज नंबर टू वोट फॉर डेवलपमेंट. हमने बहुत विकास किया है और लोग बड़ी संख्या में विकास के नाम पर वोट करने आएंगे. तो आंसर कौन सा बनेगा, सी. ठीक है, आंसर कौन सा बनेगा, सी. अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, इट इज बीइंग सीन एज अ प्रेस्टीज बैटल फॉर द PM एंड अ लिटमस टेस्ट फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ द अपोजिशन पार्टी. पहली बात तो इज के साथ बीन लगाकर गलत है, इसमें कोई शक की तो बात है ही नहीं. अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे में आपका जो टेंस है उसे आपको अरेंज करना पड़ेगा. तो इट के साथ पहली बात तो हैव आएगा नहीं क्योंकि इट के साथ क्रिया हमेशा सिंगुलर आएगा. अब इट इज बीइंग के साथ सीन कभी आएगा नहीं, ये भी पार्ट आपका इट इज बीइंग सीन. खैर बीइंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकता है और हैड के साथ कभी बीन
आएगा नहीं, तो बचा कौन सा आंसर, बी। क्या ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कैसे आया? अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में है क्या, इट सिंगुलर होता है, इट के साथ कभी प्लूरल क्रिया नहीं आती, तो इसलिए हमने आंसर ए काट दिया। दूसरी बात, हैड हैव के साथ बीन आता है ना कि बीइंग आता है, तो हमने बीन के कारण इसको काट दिया और ये ऑलरेडी इच के साथ बीन गलत था, तो बचा केवल एक इट इज बीइंग सीन, ऐसा देखा जा रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का पैसिव पार्ट बन जाएगा और आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया और आंसर हो जाएगा बी। द सेंट्रल्स बिट टू डिस्पेल द पाल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी हैव बीन हेल्प्ड इन रिसेंट वीक्स बाई अ रेटिंग। तो द सेंटर्स बिट टू डिस्पेल, खैर यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर्स बिट की बात हो रही है, और जब बिट की बात हो रही है तो यहां से लेकर यहां तक जो आपको बनेगा ओवर द इकोनॉमी, इसी बिट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आना है, तो जाहिर सी बात है हेल्प हैप तो नहीं आएगा क्योंकि बिड अपने आप में सिंगुलर है, तो एक ऑप्शन ये कट गया है कि ये कट गया। अब मामला ये है कि हैड बीन के साथ मेन वर्ब की क्या आता है, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या, केवल एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर बी। खैर अगर इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजिली आंसर कर सकते हैं ब्रदर, कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है जिनको बहुत आसानी से हम लोग इनका आंसर दे सकते हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, एज सून आफ्टर, एज सून आफ्टर, खैर पहली बात तो ये गलत है, यहां आप ध्यान रखना है कि एक बनता है आपका एज सून एज, एज सून एज, एक बनता है सून आफ्टर, सून आफ्टर, और एक होता है नो सूनर, ये तीन पेयर बनता है, या तो नो सूनर बनता है, या तो सून आफ्टर बनता है, या तो एज सून एज बनता है, तीनों नोट कर लीजिएगा। तो ये तो एज सून आफ्टर गलत है, सून आफ्टर ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, तो अब यहाँ पर प्लेयर्स अराइव, घटना कब की है, द सेरेमनी बिगैन, बिगैन मतलब शुरू हो गया, तो घटना पास्ट है, तो पास्ट का मतलब एक ऑप्शन आप ये काट दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, एज सून एज द प्लेयर्स अराइव्ड, देखिए एज सून एज आया और एज सून एज के साथ आफ्टर भी लगा दिया, तो बचा क्या, बी। पता है इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, सबसे अच्छा मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी हम चुपचाप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को सीधे ऑब्सोलीट यानी हम सीधे काट देते हैं, जो बचेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट वे होता है किसी क्वेश्चन को हल करने का तरीका। ठीक है, तो आंसर कौन सा, बी। कुछ बच्चे सी दे रहे थे, सी वाले ब्रदर गलत हैं आप लोग। दे हैव होल्ड इट इज द फिटनेस ऑफ थिंग्स दैट द लेजिस्लेटर शुड बी टेकन इन टू कॉन्फिडेंस ऑन ब्रेक्सिट। अब यहां अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो दे हैव होल्ड, पहली बात तो दे हैव होल्ड, अब अगर देखेंगे देख होता क्या है, होल्ड, और इससे बनता क्या है, हेल्ड और हेल्ड, तो हैव के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, गलत तो है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्लियर है। दे के साथ हैज आएगा नहीं, ऑलरेडी क्लियर है। हैव के साथ क्या लगता है, डायरेक्ट आईएनजी आएगा, भाई हैव के साथ या तो आपका क्या आए, या तो थर्ड फॉर्म आए, या तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो बीन आएगा, तो केवल एक ही तो ऑप्शन है, आंसर कौन सा, बी। एलिमिनेशन मेथड इन सब में खूब अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 92 के बाद 93। व्हेन आई लिव्ड इन कानपुर आई वॉज गोइंग फॉर मूवी, खैर यहां पर कह रहा है जब मैं कानपुर में रहता था तो मैं जाया करता था, हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन है तो आई यूज टू गो फॉर मूवी वंस अ वीक, तो आई यूज टू गो, आंसर क्या बन जाएगा, ए।
जब भी किसी वाक्य में हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं, हम आदतन कार्य की बात करते हैं, यानी ऐसा किया करते थे, तो उसके लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि एक हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करता है और हैबिचुअल एक्शन का ये भाव व्यक्त करता है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बी। इट नुआंसेस द लार्जर डिबेट ऑन वेदर सच बोर्ड शुड ओवरराइड द विल ऑफ द लेजिस्लेटर आर गाइडेड। खैर यहां पर जब आप देखेंगे यहां पर क्या है, शुड दिया है, तो शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यहां ओवरराइड दिया, तो यही शुड के साथ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अगेन लगाना होगा। तो शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो पहली बात तो जिनमें जिनमें गाइडेड दिया है काट दीजिए, ये काट दीजिए और गलत है, गाइड गाइड, इट इट। अब इट के बाद टू फर्दर की कोई जरूरत नहीं है, गाइड इट फर्दर इसे आगे करेगा, एफ यू आर टी एच ई आर फर्दर का मतलब होता है के अतिरिक्त आगे। तो इसके आधार पर आंसर कौन सा बन जाएगा, बी। आंसर कौन सा बन जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से करते चलिए, सब क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है और सब बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन भी है। और देखिए कि एक अप्रोच डेवलप करिए, किसी क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है यह अप्रोच डेवलप होना चाहिए। अ न्यू चैप्टर मे बीन, पहली बात तो मे के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ये मे बीन आएगा ही नहीं, तो गलत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके पास मे है बीन, पुट का तीनों फॉर्म एक होता है, पुट पुट पुट, ये गलत बात। मे बी के साथ पुट फोर्थ हो सकता है और मे बी के साथ लेफ्ट फोर्थ हो सकता है, लेकिन जब पुट फोर्थ दिया है तो आप पुट फोर्थ लगाइए, लेफ्ट की क्या जरूरत है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हम शब्दों को चेंज करके उसके भावार्थ को नहीं बदलते। हमारा काम होता है सेंटेंस में सही या गलत बताना, ना कि अपनी तरफ से कुछ जोड़कर या दिए हुए सेंटेंस में से कुछ हटाकर उसके भावार्थ को बदलना। इस आधार पे हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, बी फॉर बाहुबली। हिज डिसीजन विल बी टू एवरीवन, ठीक है, अब उसका डिसीजन, उसका निर्णय होगा टू एवरीवन, सभी के लिए, एज, क्योंकि ही इज द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी। तो ही विल बी, हिज डिसीजन विल बी, अब उसका निर्णय विल बी, यानी विल बी का मतलब, बी का मतलब होना, और होने का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में कुछ होने की बात करते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, जो होने शब्द का प्रयोग किया गया है वो गलत है। तो उसका जो निर्णय होगा विल फेयर, अच्छा होगा, विल फेयर। सी डिथर्ड एवरी टाइम सी मेक, तो घर ये घटना पास्ट है, और जब यह घटना पास्ट है तो मेक नहीं, सी हैड टू मेक, आंसर बी, क्योंकि पास्ट में और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसलिए आंसर आप प्रिफर कर देंगे बी का। क्वेश्चन नंबर 98, सी इमेनेटेड इवेलुएंस एट सी लर्न अबाउट, खैर घटना पास्ट है, लर्न का सेकेंड फॉर्म आपका बनेगा लर्न, आंसर बी। द स्टूडेंट चूज टू रिप्रेजेंट द स्कूल वॉज द एपिटोम, पहली बात तो ये छात्र जो चुने गए टू रिप्रेजेंट करने के लिए स्कूल को, वॉज द एपिटोम ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस, यानी कि एक विद्यालय है, विद्यालय के कुछ छात्रों को चुना गया है जो विद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये सब छात्र अपने आप में बहुत अच्छे थे। तो ऐसी स्थिति में यहां जब हम बात करेंगे तो ये नहीं कहेंगे छात्र जो चुने, ये होता है चूज, सेकंड फॉर्म होता है चोज, और थर्ड फॉर्म होता है चूजन। तो इसका कहने का मतलब है कि छात्र जो चुने गए, तो जाहिर सी बात है चूज तो गलत है, आपको चूजन ऑप्शन को प्रिफर करना पड़ेगा। और जब चूजन ऑप्शन पर जाएंगे तो जरा विकल्प के बारे में निगाह दौड़ा लेते हैं हम सब लोग, तो चूजन जरा देखिए, कोई ऑप्शन दिया है क्या, ये दिया है ना, ऑप्शन पहला द अनप्लीजेंट फीलिंग पासेस एंड सी ग्लांस्ड, खैर घटना पास्ट है, और जब पास्ट है तो पासेस मत बोलिए, सीधे बोलिए पास्ट, आंसर बन जाएगा सी, यानी ये बुरे दिन बीत गए और उसने बिल्कुल आगे भी निगाह बढ़ाया।
दो द प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड अफर्मेशंस वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चूजन पाथ एंड, अब जब वी दिया है तो वी के साथ कैन, और कैन के साथ जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो कैन के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। मोहन बाबू अभी ग्रामर चल रहा है, इसके बाद चलेगा, मंडे से क्लास चलेगी, मंडे से। व्हाइल यू स्टे हियर यू डू नीड नॉट, पहली बात तो यू डू नीड नॉट ये गलत बात है, या तो आप इसे सीधे बोलिए यू नीड नॉट, या तो आप इसे सीधे बोलिए यू डू नॉट नीड, दो ही ऑप्शन बनेगा, या तो नीड नॉट या तो डू नॉट नीड। अगर आप नीड नॉट लगाते हैं तो इसके बाद आपको इन्फिनिटिव अगर आएगा तो बिना टू के आएगा, और अगर डू नॉट नीड लगाते हैं तो इसके बाद आपका इन्फिनिटिव आएगा। ये बेयर इन्फिनिटिव लेता है और ये इन्फिनिटिव लेता है, तो इस आधार पर जब देखेंगे तो आपके पास आंसर क्या है, ये है ना, यू डू नॉट नीड अ ब्लू प्रिंट ऑफ प्लानिंग, यू डू नॉट नीड टू थिंक ऑफ सर्चिंग द फ्यूचर। ब्लूप्रिंट होता है किसी चीज का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, ढांचा तैयार करना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली देखिए एक क्रिया होती है नीड नॉट और एक होता है डेयर नॉट, खैर ये दोनों में अर्थ जरूर चेंज होता है लेकिन दोनों में जो ग्रामर है वो समानता है, क्योंकि नीड और डेयर ऐसी दो क्रिया है जो ऑक्जिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है, या ऑक्जिलरी भी और मेन वर्ब भी है। अगर नीड नॉट डेयर नॉट के बाद अगर आप बात करते हैं तो इसके बाद वेयर इन्फिनिटिव आता है, वेयर इन्फिनिटिव की अगर आप बात करेंगे वेयर इन्फिनिटिव क्या है, तो वेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ऐसा इन्फिनिटिव जिसके साथ टू ना आए, ऐसा इन्फिनिटिव जिसके साथ टू ना आए। और अगर अभी यहीं पर एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अगर नीड इसी के साथ डू डज डिड आ जाए, डू डज डिड आ जाए, तब ध्यान रखना है तब बेयर इन्फिनिटिव नहीं होगा, तब इन्फिनिटिव होगा, और इन्फिनिटिव जब कहा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है ये विथ टू आता है, विथ टू, ठीक है, विथ टू और विदाउट टू। जब भी वेयर इन्फिनेटिव कहा जाएगा जान लीजिएगा विदाउट टू है, और जब भी इन्फिनेटिव कहा जाए मान लीजिएगा टू है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं यू नीड नॉट टू गो आउट अलोन, एक सेंटेंस ये लिख दिया, और एक सेंटेंस है यू डू नॉट नीड गो आउट अलोन, ठीक, ये ए और ये बी, बताइए दोनों सही है या दोनों गलत है। टेल मी एवरीवन प्लीज, दोनों सही है या दोनों गलत है। बोलिए दोनों सही है या दोनों गलत है। दोनों गलत हैं, मिस्टर जाकिर बोल रहे हैं बोथ राइट। क्या जी आप सब लोग बेइज्जती करवा देंगे, मैंने पूरे सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझाया फिर भी आप बेइज्जती करवा रहे हैं। अगर नीड नॉट डेयर नॉट आएगा तो इसके बाद बिना टू के आएगा, साफ साफ लिखा ऊपर, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। और अगर डू डस डिड आ जाएगा तो टू लेगा, जब यहाँ आपने नीड नॉट लगा दिया तो इसके साथ टू नहीं आएगा, और जब आपने डू नॉट नीड लगा दिया तो टू जरूर आएगा, तो ये गलत है क्योंकि टू हटेगा, और ये गलत है क्योंकि टू जो नहीं आया, दोनों सेंटेंस गलत हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग, मारना पड़ेगा क्या आप लोगों को आके, कि नींद आ गई आज जल्दी था। तो इसको सही करने के लिए यहाँ से टू हटा दीजिए, और इसको सही करने के लिए यहाँ टू लगा दीजिए, अब दोनों सेंटेंस ठीक हो गए।
एग्जाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ब्रदर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 103। द ग्रैनरीज ऑफ इंडिया आर ट्रैप्ड इन अ डेंजरस बीसीएस साइकिल ऑफ इनपुट यूज फेयर इंक्रीज डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द रॉन्ग कॉम्बिनेशन हैज रेंडर्ड द सॉइल इनकैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इट्सेल्फ व्हिच इन टर्न स्केलेटेड इनपुट यूज। खैर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला है प्रेजेंट का। तो द ग्रेनरीज ऑफ इंडिया आर ट्रैप्ड इन अ डेंजरस बीसीएस साइकिल ऑफ इनपुट यूज फेयर इंक्रीज्ड डंपिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो खैर यहाँ पर आपका मेन वर्ड है इंक्रीज डंपिंग। डंपिंग हैज रेंडर्ड द सॉइल, खैर आपको हैव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन वर्ड आपका बढ़ा हुआ ये डंपिंग है और डंपिंग मतलब होता है किसी चीज़ का प्रयोग कर लेना और फर्टिलाइजर मतलब खाद, वो भी रॉन्ग कम्बिनेशन। रॉन्ग कम्बिनेशन मतलब पता चला यूरिया 1 किलो की ज़रूरत है, जिंक 100 ग्राम की ज़रूरत है, तो हमने यूरिया ले लिया 5 किलो, जिंक ले लिया 1 किलो, मिला के डाल दिया, रॉन्ग कम्बिनेशन। तो यही वो कहना चाह रहा है जो रॉन्ग कम्बिनेशन में है, हैज़ रेंडर्ड द सॉइल, इसने मिट्टी को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। ठीक है, खैर मिट्टी को ख़राब कर दिया है, ठीक है। हैड के साथ रेंडर बनेगा नहीं, और इच के साथ रेंडर का मतलब है पैसिव हो जाएगा क्योंकि फिर खाद खराब होगी ना कि जमीन, तो खाद ने खराब कर दिया है, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। आंसर बनेगा नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 104। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैड डिक्रीड, इसने आदेश जारी किया दैट की ऑल एमएफ स्कीम्स मस्ट अडॉप्ट द टोटल रिटर्न वेरिएंट्स ऑफ दियर चूजन बेंचमार्क्स टू मेजर एंड डिस्क्लोज दियर परफॉर्मेंस। तो खैर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी खैर एक संस्था है और सेबी ने एक आदेश जारी किया हैज डिक्रीट। वैसे डिक्री होता है किसी चीज़ का आदेश जारी करना, और जब हैज की बात करेंगे तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर डी, नो इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस आइडिया ऑफ इम्पॉसिबल बिकेम इवन मोर रेलिवेंट व्हेन वी कम टू। खैर घटना कब की है, कम प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, द आइडिया ऑफ इम्पॉसिबल बिकम्स हो जाएगा क्योंकि आइडिया सिंगुलर है, और जब बिकम्स की बात करेंगे तो आंसर कौन सा बन जाएगा, बी। टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस लगाया जाता है साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड एन ऑर्गन ऑन अ चिप प्लेटफॉर्म टू स्टडी हाउ ड्रग्स आर। खैर साइंटिस्ट के साथ हैव डेवलप्ड विकसित कर लिया है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। आई हैव डन माई एक्सरसाइज व्हेन केसो केम, जब केसो आया तो मैं कर चुका था, तो हैड डन हो जाएगा क्योंकि पास्ट में जब दो एक्शन होते हैं तो जो पहले होता है पास्ट परफेक्ट में होता है, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पहले उसने एक्सरसाइज को कर लिया, बाद में वो आया है, तो आप इसका टेंस पास्ट परफेक्ट कर दीजिए और आंसर बन जाएगा ए। द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हैज बिकेम अ पोलिटिकल डिस्कोर्स अ क्रिटिकल एंड थियोरेटिकल प्रैक्टिस कमिटेड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट पैट्रियार्की एंड सेक्सिज्म। खैर यहाँ पर है द फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म हैज बिकम, हो चुका है अ पोलिटिकल डिस्कोर्स अ क्रिटिकल एंड थियोरेटिकल प्रैक्टिस कमिटेड टू द स्ट्रगल। खैर ये हो चुका है, तो हैज ये तो हैव आप काट दीजिए, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा नहीं, तो यह हो चुका है या हो गया। और जब कभी भी कोई वाक्य आए और कोई ऐसा वाक्य है जहां आप बात करेंगे फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, बात किसकी करेंगे, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट यानी भूत से लेकर वर्तमान काल तक का, तो ऐसे जितने वाक्य होते हैं इनका जो टेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ठीक है, आप आंसर जो प्रिफर करेंगे जो लगा है, अच्छी बात है, नो इम्प्रूवमेंट, आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 109, एमिलीज इज प्रेजेंट इन द सालिवा ऑफ ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स, वेयर इट बिगैन। खैर घटना प्रेजेंट है तो बिगैन मत कहिए, इट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जहां ये शुरू होता है तो इट बिगिंस, इट बिगिंस आंसर ए। सिस्टमेटिक डी सैनिटाइजेशन इज अ प्रोसेस बिकेम एकस्टम्ड। खैर ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सेंस पर आधारित है। 110, का उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। आज पूरे बच्चों का दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब है, परेशान खैर आप लोग भी होंगे। हाँ देखिए सुचित ने लिख दिया अपनी बात, सीजीएल का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से चेंज हो गया है। एसएससी में इंग्लिश 135 नंबर की और मैथ 60 का हो गया। बिल्कुल सही बात लिखा आपने, इस समय नोटिफिकेशन देखकर सारे बच्चों का दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब है, पूरी तरीके से दिमाग डिस्टर्ब है। खैर आप लोग दिमाग डिस्टर्ब ना करिए, बेहतर होगा हम सब लोग अभी पढ़ाई कर लें, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होना है नहीं, बिना पढ़े कुछ होना है नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, परेशान मत होइए, सॉल्यूशन निकलेगा और अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। खैर क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक डी दिया है, डी सैनिटाइजेशन इज अ प्रोसेस बिकेम एकस्टम्ड टू दियर फोबिया। तो खैर यहां पर देखेंगे बिकेम की बात कर रहा है, सिस्टमेटिक डिसैनिटाइजेशन इज अ प्रोसेस, अब यहाँ पर है बिकेम मत कहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो हो जाती है तो आप सीधे कहिए बिकम्स, एकस्टम्ड अभ्यस्त हो जाती है, तो ये काट दीजिए इसके कारण, ये काट दीजिए पास्ट के कारण, तो आंसर कौन सा ए, आंसर कौन सा ए। देखिए इसीलिए पता है मैं एक बात हमेशा कहता हूँ,
मेहनत इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि सही समय पर सही चीज़ भुना लेना चाहिए। नहीं, कभी कभी जब हम लोग लेट करते हैं तो किसी भी चीज़ में जब हम खूब एक अच्छी तैयारी करते हैं, पता चला तब तक पैटर्न बदल गया, तो ये लॉस हो जाता है। अब इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, अब जाहिर सी बात है, 135 नंबर है, मैथ से दुगना है इंग्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। एक्चुअली कुछ चला गया सिलेबस सीपीओ की तरह। मुझे पता है आप सब लोग बिल्कुल परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हैं। खैर, मैं लोग पहले पढ़ाई ना करें, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रदर, पढ़ लेते हैं, प्लीज पढ़ लेते हैं। अभी हम सब लोग इस पर पूरा खूब बढ़िया फुर्सत से, कल मॉर्निंग में 9 बजे मैंने ऑफलाइन क्लास बुलाया है। कल मॉर्निंग में 9 बजे सब लोग ऑफलाइन आइए, और मॉर्निंग में हम लोग ऑफलाइन में बात कर लेंगे इस मुद्दे पर, और कल रात में इसी मुद्दे पर ऑनलाइन पूरा डिस्कस कर लेंगे पूरे ब्लूप्रिंट के साथ। आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा हल कर लेते हैं। अभी लास्ट, जब हम लोगों का लास्ट टाइम आएगा तो हम पूरा नोटिफिकेशन आपको बता देंगे। अभी देखते हैं, कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिक व्यूज रिगार्डिंग डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन हैव बीन, पहली बात तो ध्यान रखिएगा हैव बीन लगा है तो ये थर्ड फॉर्म होगा डॉक्यूमेंटेड, गलत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हैव के साथ डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, हैव के साथ बीन नहीं आएगा, तो केवल एक ही तो ऑप्शन है, वही आंसर, एक ही ऑप्शन है, आंसर बी। इन ओपन असेस पब्लिशिंग अ जर्नल आर्टिकल वर मेड अवेलेबल फ्री फॉर ऑल ऑन द वेब बाय द पब्लिशर। इन ओपन असेस पब्लिशिंग अ जर्नल आर्टिकल, अब अ जर्नल आर्टिकल आपका सिंगुलर दिया है, जब अ जर्नल आर्टिकल आपका सिंगुलर दिया है तो यहाँ पर वर मेड क्यों होगा, तो ये तो वैसे गड़बड़ है, इज के साथ मेक आएगा नहीं, मेकिंग बिना इज एम आर के आएगा नहीं, और इज मेड का मतलब पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी। हाँ बिल्कुल, सब लोग आ सकते हैं, सबके सब लोग आ सकते हैं, सबका स्वागत है। चलिए देखिए, मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा है, आप लोग बिल्कुल परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हैं। मैं दिखा रहा हूं नोटिफिकेशन जो आया है, बेट, वेट करिए बस 1 मिनट, हम आप सब लोगों को बता रहे हैं नोटिफिकेशन। धैर्य रखिए,
वन मिनट ब्रदर, बस कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। कैसे मुकेश कनेक्ट कैसे होगा? वन मिनट ब्रदर। ये आ गया, ये है देखिए आपका। कंटेंट खैर रुक जाइए ब्रदर, जूम करता हूं नहीं, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। जूम करता हूँ, एक्चुअली काफ़ी दिन बाद इस पर कोई फाइल में लोड कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब ओपन हो जाएगा। यह है नया नोटिफिकेशन, अब क्या अच्छे से दिख रहा है आप सबको? अच्छे से दिख रहा है ना? देखिए ये आपका जो पेपर होगा, टायर पेपर वन स्कीम ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का जो एग्जाम आपका होना है जैसा है वैसा ही है। प्रीलिम्स के पेपर में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है, पहली बात मेरी ध्यान समझिएगा। प्रीलिम्स का आपका जो पेपर है, प्रीलिम्स के पेपर में आपका किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। प्री का एग्ज़ाम आपका जैसे होता था उसी तरीके से होगा, 200 मार्क्स का होगा, और इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसके चार सेक्शन आपके बटे होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, और 25-25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दो नंबर का, यानी 50-50 नंबर का आपका, 50 नंबर का मैथ, 50 का रीजनिंग, 50 का इंग्लिश और 50 का जीएस। जैसा आपका प्री था वैसा ही है, जो चेंजिंग आया है वो प्री में नहीं आया है, मेंस के एग्जाम में आया है। मेंस के एग्जाम में जो आपका चेंजिंग आया है, जरा उसे समझिएगा। स्कीम ऑफ टायर टू एग्जामिनेशन, टायर टू का जो एग्जामिनेशन है इसमें आपका बदलाव आया है। अब ये टायर टू के एग्जामिनेशन में देखिए क्या है, आपके पास पेपर में ये पेपर सेशन सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम अलाउड, इसमें देखेंगे तो आपके पास जो पेपर आना है अब होगा पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो होगा ये सेशन वन 2 आवर एंड 15 मिनट। अब यहां पर देखेंगे इसमें सेक्शन वन है जिसमें है मैथमेटिकल एबिलिटीज, और दूसरा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैथ और रीजनिंग इसमें दोनों आपका शामिल हो गया।
और 30 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 30 इंग्लिश रहेगा, 6 × 3 इक्वल टू 180 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 30 क्वेश्चन मैथ आएगा, 30 इंग्लिश आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 180 और एक घंटा एक सेक्शन के लिए मिलेगा। यानी इस 30 क्वेश्चन के लिए आपको मैथमेटिक्स में आपको एक घंटे मिलेंगे और इधर, खैर आपका पेपर समझिएगा, इसने टीसीएस ने अब की बार पूरा दिमाग लगा दिया, बैंकिंग प्रणाली पर पूरा पेपर बना दिया। बैंकिंग प्रणाली का जो पेपर है, बैंकिंग प्रणाली के पेपर में अब एक सेक्शन अगर आपका एक बार ओपन हो गया तो दोबारा वो सेक्शन ओपन नहीं होगा, दोबारा वो सेक्शन ओपन नहीं होगा, फिर आपको क्लोज करके ही अगले पे जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेम टीसीएस ने बैंकिंग पैटर्न को उठा दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, सेक्शन 2 आएगा मॉड्यूल 1 में, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपका क्या करेगा 45 क्वेश्चन, और दूसरा इसमें जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, टोटल अगर देखेंगे तो 70 और टोटल नंबर कितना 210। अब अगर देखा जाए तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 × 13 ठीक है ना। अब इंग्लिश आएगी 135 नंबर की, मैथ आपके पास कितना है, मैथ आपके पास है, मैथ है 90 नंबर का, और आपके पास रीजनिंग कितना है 90 नंबर का, मैथ इंग्लिश कितनी है 135 नंबर का, और जीएस कितना है आपका 75 नंबर का, जीएस 75 नंबर का, वही 5, 5, 10, 7, 3, 10 और 210 नंबर, ये आपका मेंस का पैटर्न हुआ। इसी मेंस के पैटर्न पर आपका क्वेश्चन चलना है। क्या अभी भी नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है, ब्राइटनेस मैंने चलो और कम कर दिया, अब दिख रहा है ना, समझिए मैंने क्या बताया, प्रीलिम्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो चेंजिंग हुआ है वो मेंस में। खैर अभी मैंने पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है ध्यान से, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जस्ट मैं पढ़ा रहा हूं, रात में भी लगभग 9:20 पर नोटिफिकेशन आया और 15 मिनट में एकदम हाहाकार मच गया, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मैंने सही से नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन जो देखा अभी, नहीं स्टेनो का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चेंजिंग केवल सीजीएल का हुआ है, केवल सीजीएल में चेंजिंग हुआ है, और सीजीएल के मेंस में वो भी चेंजिंग हुआ है, प्रीलिम्स में नहीं। मेंस में जो केवल मैथ्स और इंग्लिश होता था, अब उसने क्या किया, रीजनिंग और जीएस भी उसने शामिल कर दिया, रीजनिंग और जीएस भी शामिल कर दिया। अब इसमें देखिए मेंस में क्या किया है, आप फिर से एक बार समझिएगा, मेंस में देखिए सेक्शन 1 आएगा इसमें, यानी सेशन 2 आवर्स का, इसमें मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 2 रीजनिंग, मॉड्यूल 1 में 30 क्वेश्चन मैथ आएगा, 30 रीजनिंग आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 90 नंबर का मैथ, 90 नंबर की इंग्लिश, और दोनों के लिए एक एक घंटे मिलेंगे, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और इस पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको 30 मैथ 30 रीजनिंग मिलेगा। इसके बाद आपका मॉड्यूल सेक्शन 2 आएगा, मॉड्यूल 1 में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 135 नंबर की आएगी, और मॉड्यूल 2 में जीएस है और जीएस आपको 25 क्वेश्चन यानी 75 नंबर का आएगा। यही पैटर्न है जो आपका रहेगा। नहीं देखिए इधर 1 आवर फॉर ईच सेक्शन लिखा है, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी इसके लिए एक घंटे और इसके लिए एक घंटे। अब मैथ और इंग्लिश में ये मैथ और रीजनिंग को मिला के एक घंटे है, ये 2 घंटे का पेपर नहीं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे, फिर आपका इसमें सेक्शन तीसरा वो कंप्यूटर नॉलेज आता था, जो जैसे ये 20 क्वेश्चन और 60 नंबर का। अब उसके बाद सेक्शन ये 15 मिनट का, सेक्शन 3 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डे एंट्री, ठीक है। अब उसके बाद ये आता है स्टैटिक 100 नंबर का, क्वेश्चन 2 का। अब ये डबल एओ के लिए पेपर 3 जो बनता था, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। अब क्या है, टायर सेकंड विल बी इंक्लूडिंग।
अब देखिए टायर सेकंड में क्या क्या शामिल रहेगा, पेपर वन, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड इन सेपरेट शिफ्ट। पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, सेकंड विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। बाकी सब सेम है, जेएसईओ की पोस्ट के लिए जैसे आपका स्टैटिक्स था, और पेपर थर्ड विल बी ओनली फॉर कैंडिडेट आर शॉर्ट लिस्टेड इन टायर 40 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट। और आपका ये जो पेपर थर्ड है ये केवल डबल ईओ के लिए है। सेम पैटर्न आपका है, बस मेंस में थोड़ा सा बदलाव हुआ। रीजनिंग 30 नंबर सम्मिलित किया गया, मैथ के नंबर को कम किया गया, इंग्लिश को, मैथ को केवल 90 नंबर कर दिया गया 200 के बजाय, और 90 उसमें आपको डाल दिया गया रीजनिंग। इंग्लिश में 200 में से जो आपकी 200 आती थी उसको 135 किया गया, और उसमें थोड़ा सा डाल दिया गया जीएस। यही आपका परिवर्तन हुआ, यानी कुल मिलाकर अब आपको जीएस भी थोड़ा सा मेंस के पर्पज से पढ़ना पड़ेगा। अभी तक जो जीएस आप केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ते थे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, मेंस में पजल आएगा। खैर, सिलेबस बहुत अच्छा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए सिलेबस पे टेंशन वो ले जो बैंकिंग पैटर्न पर ना पढ़ा हो, सिलेबस पे टेंशन वो ले। क्योंकि अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, क्वेश्चन का लेवल अब ठीक ठाक आएगा। अब वो नहीं है कि नंबर आप क्वेश्चन 200 है और क्वेश्चन को छांट देगा, आपकी बार क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल पर बनेगा। एग्जैक्टली जैसे बैंक का, अगर अभी यहीं पर आप नोटिफिकेशन थोड़ा सा एसबीआई का देखे होते, जो क्लर्क का इससे पहले आया है, एक्चुअली टीसीएस का एग्जाम इस समय, टीसीएस के पास इस समय एसएससी का भी एग्जाम है और टीसीएस के पास ही इस समय बैंक का एग्जाम है। दोनों को उसने क्या किया, एक पैटर्न पर लाने का प्रयास कर दिया, बाकी उसने कुछ नहीं किया, सेम पैटर्न को पूरा फॉलो किया है। जो बैंकिंग पैटर्न पर प्रिपरेशन किया है उसके लिए किसी भी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंकिंग पैटर्न के जो पीओ एग्जाम्स के आपके पैटर्न थे, क्लर्क एग्जाम्स थे, आप दिल खोल के उसी पर पढ़िएगा और एकदम बाजी मार ले जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है कुछ भी आपको। हाँ, निगेटिव मार्क्स है, कल मॉर्निंग में 9:00 पर मैंने क्लास ऑफलाइन बुलाया है, 9 से 12 मैं प्रीवियस ईयर टेंस के क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक है, 9 से 12। और जो 9 से 12 मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा, और उसके बाद मैं इस पर एक संबंधित सेमिनार भी रखूंगा। और आराम से आज सब लोग, आप लोग सुन लीजिए सबको, और सुनकर बढ़िया से कर लीजिए। कल है संडे, और इत्मीनान से हम सब लोग कल रात में फिर मिलेंगे 9 बजे, और 9 बजे मिलकर खूब बढ़िया फुर्सत से इस पूरे नोटिफिकेशन पर चर्चा, इस नोटिफिकेशन के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्या क्या बदलाव आया, माइनस मार्किंग, पूरा हम सब लोग कंप्लीट डिटेल कल बात करेंगे। आज आप सब लोग खूब आराम से, बस कुछ नहीं केवल पढ़िए बस। तो जो लोग कल ऑफलाइन में आएंगे वो लोग तो ऑफलाइन में 9 बजे आप सुबह आएंगे, सबके सब लोग 9 बजे, सब लोगों को आना है, जो भी एडमिशन है या नहीं है या लेना है या नहीं लेना है, लेकिन आना कल सबको है 9 बजे। और उसके बाद जो भी आप लोग नहीं आएंगे, कल रात में फिर 9 बजे ऑनलाइन भी हम इस पर पूरा विधिवत डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जाइए आप लोग, प्रेम से खूब बढ़िया सोइए। थैंक यू, गुड नाइट।